सो वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फेंसिंग एंड प्लगिंग ऑफ सर्कुलर फील्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के बारे में और सारे कंसेप्ट के बारे में। सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि मैं आप लोगों को फेंसिंग एंड प्लगिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग बनाने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम लोगों को फेंसिंग और प्लगिंग से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि फेंसिंग का मतलब क्या होता है। तो बच्चों फेंसिंग एक्चुअली में जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है घेरना। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्कुलर फील्ड है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस सर्कुलर फील्ड को मेरे को बोला है फेंसिंग करने के लिए। फेंसिंग करना मतलब घेरना। तो किस तरीके से घेरेंगे, तो देखिए मैं यहां से अगर चालू करूंगा घेरना तो यहां पर ऐसे वायर लगाता जाऊंगा, ये इसके पूरे सर्कमफेरेंस में मैं क्या लगाऊंगा, वायर लगा दूंगा कुछ इस प्रकार से ऐसे। तो अगर मेरे को यह निकालना हो कि कितने वायर का रिक्वायरमेंट है, यानी कि लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेंगे। जो इसका सर्कमफेरेंस होगा उतना ही वायर का रिक्वायरमेंट होगा। और सर्कल का सर्कमफेरेंस तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, 2πr के बराबर है। यानी कि उस सर्कुलर फील्ड का अगर मेरे को रेडियस पता है तो मैं यह पता लगा सकता हूं कि उस सर्कुलर फील्ड को घेरने के लिए कितने वायर का रिक्वायरमेंट है। वहीं पर प्लगिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, तो बच्चों प्लगिंग वर्ड का मतलब होता है हल चलाना। अगर किसी खेत में अगर हम लोगों को हल चलाना है तो कितने एरिया में हल चलाना है यह हम लोगों को पता करना होता है। तो कितने एरिया में अगर हल चलाना है यह अगर हम लोगों को पता करना है और हमारा जो खेत है वो अगर सर्कुलर है, यानी सर्कुलर फील्ड है, तो उस कंडीशन में कितने एरिया को प्लग करना पड़ेगा, एरिया ऑफ प्लगिंग। तो एरिया ऑफ प्लगिंग के लिए सर्कल का ये पूरा एरिया फाइंड कर लो, इतने को ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लग करना पड़ेगा। यानी कि जो सर्कल का एरिया है यानी पाई आर स्क्वायर, उसी एरिया को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लग करना पड़ेगा। तो जब भी प्लगिंग के बारे में बात किया जाएगा तो एरिया फाइंड किया जाएगा, फेंसिंग के बारे में बात किया जाएगा तो हम लोगों को सर्कमफेरेंस फाइंड करना होगा। चलिए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ फेंसिंग या फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस, टू फेंस। अगर हम लोग को यह पता करना हो कि कितने वायर की जरूरत है फेंस करने के लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस द सर्कुलर फील्ड। हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है जिसको फेंस करना है, सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस 14 मीटर। अगर हम लोगों को रेडियस दे दिया है 14 मीटर और हमको बोला गया है बताइए कि कितने वायर का रिक्वायरमेंट है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लोग डिफिकल्ट बनाते जाएंगे और नए नए क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मेरे को यह निकालना है कि कितने वायर की रिक्वायरमेंट है, तो वायर टू बी रिक्वायर्ड, कितने वायर की जरूरत है, तो कितने वायर की जरूरत होगी, जितने उसका सरकमफेरेंस होगा, 2πr।
टू के जगह हम लोग टू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, तब तक जब तक हम लोगों को पाई का कोई और वैल्यू गिवन नहीं है। अगर पाई का वैल्यू आप लोगों को 3.14 क्वेश्चन में गिवन है तो आप लोगों को 3.14 पुट करना है, नहीं तो आप 22/7 ही पुट करेंगे। और रेडियस आप लोगों को दे दिया था 14, तो मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया है। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 × 2 = 4 होता है, और 4 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 88 के बराबर हो जाएगा। अगर ये रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हो गया है कि हमारे पास जो सर्कुलर फील्ड है उसका यूनिट सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता, सेंटीमीटर बहुत छोटा यूनिट होता है, तो उसको हम लोग मीटर कर देते हैं। तो यहाँ पर 88 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यानी कि जो रेडियस का यूनिट है वही यूनिट किसका हो जाएगा, वायर्ड रिक्वायर्ड का, यानी कितने वायर का रिक्वायरमेंट है, 88 मीटर वायर का रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए इसमें बोला गया है क्वेश्चन में, आगे मान लो बोल दिया गया ऑल्सो फाइंड द एरिया टू बी प्लग्ड, यानी कितने एरिया को हम लोग को प्लग करना है ये भी बताना है। तो भाई एरिया टू बी प्लग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया टू बी प्लग्ड कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, रेडियस आप लोगों को 14 दिया था तो 14 × 14 हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 हो जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके 44 लिख दूंगा, 44 × 14 कर दिया जाएगा। चलिए 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 × 1 = 17, ये हो जाएगा 4, ये भी 4, तो ये हो गया 616, और यूनिट क्या होगा, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या किलोमीटर स्क्वायर होगा, ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। सो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर दो रेडियस है, रेडियस और रेडियस, सो रेडियस का यूनिट भी मीटर है और दूसरे रेडियस का यूनिट भी मीटर है, तो मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर ही बनेगा। सो एरिया टू बी प्लग्ड भी हमने निकाल लिया, वायर रिक्वायर्ड भी हमने निकाल लिया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में चलिए थोड़ा सा और मैं वैरायटी ले आता हूं। मान लीजिए हम लोग को बोला है इसी क्वेश्चन में ही, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग करने का कितना कॉस्ट लगेगा, तो भाई फेंसिंग करने का कितना कॉस्ट लगेगा कैसे पता चलेगा, तो हम लोग को वायर का रेट दिया होगा। इफ द रेट ऑफ वायर इंच, चलिए मान लेते हैं रेट ऑफ वायर 5 रुपीज दिया है, 5 रुपीज पर मीटर, यानी हर एक मीटर का कितना रुपए, 5 रुपए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमको सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट निकालना था, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, यानी कि कितने लेंथ वायर की जरूरत है, तभी तो हम लोग उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लेंथ इनटू रेट, जो उसका रेट दिया है, तो कितने लेंथ की जरूरत थी, यानी कितने वायर की जरूरत थी, तो हम लोग को 88 मीटर वायर की जरूरत थी। देखिए यहां पर हमने निकाला था, और इस 88 मीटर को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा, यानी कि यहां पर आ गया 40 और ये आ गया 440, तो 440 रुपीज, यानी 440 रुपए की जरूरत है, यानी 440 रुपए लगेंगे हम लोगों को इस सर्कुलर फील्ड को फेंस करने के लिए। यहां तक तो आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या पूछा जा सकता है, लेंथ रिक्वायर्ड पूछा जा सकता है, या फिर टोटल कॉस्ट भी पूछा जा सकता है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए, लेंथ टू बी रिक्वायर्ड इनटू रेट। अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे उस क्वेश्चन के बारे में जो कि प्लगिंग और फेंसिंग से रिलेटेड है और आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में बोला गया है द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द टोटल कॉस्ट, या लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड, यानी हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है जिसको फेंस करने के लिए, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ रेट दिया है, एट द रेट ऑफ
₹24 पर मीटर, यानी कि एक मीटर वायर का लेंथ आप लोगों को, एक मीटर वायर का रेट आप लोगों को दिया है 24 मीटर, इज 5280। यहां पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ट्विस्ट आ चुका है, क्वेश्चन में ट्विस्ट इसलिए आ चुका है क्योंकि अब वो आप लोगों को टोटल कॉस्ट दे दिया है। मैं एक वायर, मैं एक सर्कुलर फील्ड को फेंस करना चाहता हूं बोल रहा है, और उसका रेट है वायर का ₹24 per meter, और टोटल कितना रुपए लग रहा है बोला है, तो ये बोल दिया है 5280। क्वेश्चन में पूछा क्या है, मांगा क्या है क्वेश्चन में, ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। यहां पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट द रेट 0.50 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, यानी एक मीटर स्क्वायर का प्लगिंग का रेट है 50 पैसे। अगर 50 पैसे अगर प्लगिंग का रेट है, तो टोटल खेत को प्लग करने के लिए कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो भाई हमको तो पहले यह पता करना पड़ेगा कि टोटल खेत का एरिया कितना है, यानी सर्कुलर फील्ड का एरिया कितना है, और एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों को जरूरत है रेडियस का, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। तो रेडियस कैसे फाइंड करें, तो रेडियस को फाइंड करने के लिए देखिए ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे दिया है। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकाला जाता है, टोटल कॉस्ट बराबर लेंथ रिक्वायर्ड टू फेंस इनटू रेट ऑफ वायर, वायर का जो रेट। अब देखिए टोटल कॉस्ट तो आप लोगों को क्वेश्चन में पहले से दे दिया है, विच इज इक्वल टू 5280 इज इक्वल टू लेंथ रिक्वायर्ड टू फेंस। हम लोगों को यह निकालना है कि फेंसिंग करने के लिए कितना लेंथ ऑफ वायर का रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी आप लोगों को यह निकालना हो कि फेंस करने के लिए कितने वायर का रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या निकाल लीजिए, सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और रेट ऑफ फायर वो आप लोगों को दिया है कितना 24। तो मैं यहां पर 24 पुट कर देता हूं। अब क्या करेंगे, 5280 में डिवाइड कर देंगे इस 24 को, और 2 को भी डिवाइड कर देते हैं, और यहां पर बचा है पाई आर, पाई का वैल्यू तो 22/7 है बच्चों, और इनटू आर। अब क्या किया जाए, अब अपन क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल कैसे होगा, सबसे पहले तो मैं इस 22 को भी नीचे ट्रांसफर कर देता हूं, 7 को भी नीचे ऊपर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये 5280 इंटू 7 अपॉन में आ जाएगा 24 इंटू 22 इंटू 2, और यहां से हमारा रेडियस पता चल जाएगा। चलिए इसको कैंसिल करते हैं सीधा 11 से, पहले 11 2 जा 11, 4 जा 44, 8 बचा 11, 8 जा 0 जा 24, 1 जा 24, 2 जा और 0 जा, क्योंकि 24 2 जा 48 होगा। अब यहां पर देखिए 2 2 जा 4 है, 4 1 जा और 4 5 जा, तो रेडियस देखिए कितना मिल गया, 35 मीटर। ये सब मीटर में दिया है, इसलिए रेडियस भी कितना आएगा, 35 मीटर। और अगर रेडियस निकल गया तो अपन एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया टू बी प्लग्ड पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या था 22/7 पुट करेंगे, रेडियस दे दिया है 35 इंटू 35, तो 7 1 जा 7 5 जा 35। और अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 में 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 इंटू 35 आ जाएगा, 35 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 385 आ जाएगा, और लास्ट में 0 लगा दूंगा, तो ये आ गया 3850 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है। और इसी एरिया को क्या करना है, प्लग करना है, और रेट दे दिया है 50 पैसे। 50 पैसे मतलब कितना होता है बच्चों, हाफ रुपीज से अगर मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग करने के लिए कितने कॉस्ट का जरूरत है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग
तो क्या करेंगे, जितना एरिया को प्लग करना है उसको लिख लीजिए इंटू रेट, रेट यानी कि 50 पैसे, और 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपीस। अब देखिए इसको मैं काट देता हूं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1925 रुपीस की जरूरत है अगर हम लोगों को उस सर्कुलर फील्ड को प्लग करना है तो। सो बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो क्लियर समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं रोज आप लोगों के लिए इस तरह के अच्छे वीडियो लेकर के आते रहता हूं जिसमें आप लोगों को 10th एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। इस वीडियो के लिए थैंक यू।